अंधी हत्या का खुलासा। जादू टोने के शक में हुई थी अधेड़ की हत्या। बरगवा पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। एक बार फिर जादू टोने के शक में एक अधेड़ आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। गांव के ही लोगों ने जादू टोने के शक में उसकी हत्या कर दी थी। बरगवा पुलिस ने आज इस मामले में खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते शनिवार दोपहर बरगवा थाना क्षेत्र के जंगल में एक अधेड़ का शव मिला था, जिसकी पहचान बंधा निवासी मेहीलाल के तौर पर की गई थी। मजदूरी कर पेट पालने वाला मेहीलाल सुबह से ही पशुओं को चराने के लिए जंगल निकल जाता था। रोज की तरह जब शनिवार को दोपहर बाद भी मेहीलाल पशुओं को चरा कर घर नहीं लौटा तो उसके लड़कों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी, जहां जंगल में उन्हें खून से लथपथ मेहीलाल का शव मिला, जिसके सर पर टांगी से कई वार किए गए थे। आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी गई। अंधी हत्या के इस मामले में बरगवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह के निर्देशन एवं SDOP राजीव पाठक के मार्गदर्शन में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। मामले की पड़ताल में लगी पुलिस को मुखबिर की सूचना पर शक के आधार पर बंधा के ही निवासी संत कुमार गुज्जर एवं भोला प्रसाद शर्मा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसने जादू टोना के शक पर उसकी हत्या की थी। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह के साथ उप निरीक्षक RS सोनकर, सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र यादव, प्रधान आरक्षक उमेश अग्निहोत्री, सुजीत सिंह, राजकुमार तिवारी, जितेंद्र उइके, आरक्षक विवेक सिंह, नरेंद्र यादव, अमित जायसवाल व महिला आरक्षक प्रियंका गुप्ता का सराहनीय योगदान रहा। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें, शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें। कैमरामैन गीतिका सिंह के साथ मैं गणेश सिंह विशाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।